हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकिता है। कुछ समय पहले मैं भी ओबेसिटी और ओवरवेट की कैटेगरी में आती थी। जब मैं 6th क्लास में थी तब मैंने अपना फर्स्ट टाइम वेट किया और जब मैंने देखा कि मेरा वेट 50 है तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपना वेट कभी भी 50 से ऊपर नहीं जाने दूंगी। फिर जब मैं 8th में हुई तब मैंने अपना वेट 52 देखा तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना वेट 52 से आगे नहीं जाने दूंगी। फिर मैंने अपना वेट जब मैं 11th में हुई तब मैंने अपना वेट देखा तो मेरा वेट 55 हो गया। फिर मैंने फिर से डिसाइड किया कि मैं अपना वेट 55 से ऊपर नहीं जाने दूंगी। फिर जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, व्हेन आई वाज इन 11th, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था और लॉकडाउन स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद मैंने अपना वेट किया और तब मैंने देखा कि मेरा वेट 59.9 kg था। फिर मैंने दोबारा से डिसाइड कर लिया कि मैं अपना वेट कभी भी 60 से ऊपर नहीं जाने दूंगी। फिर उससे कुछ समय बाद जब मैं अपने विलेज गई थी ऐसे ही घूमने के लिए, तब मुझे वहाँ पे एक दादाजी ने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, बहुत ज़्यादा। और मुझे सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कोई कैसे कह सकता है ऐसे, और मैं तो अपने आप को कभी मोटा मानती ही नहीं थी। तो मैंने कह दिया कि मैं मोटी नहीं हूँ, मोटी हूँ तो क्या हुआ, अपने खाते पीते रहना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, तो मैंने भी ये बोल दिया। फिर मुझे कुछ दिनों बाद रियलाइज़ हुआ कि मुझे काफ़ी लोग ये चीज़ बोलते कि लॉकडाउन तो मुझ पर लग गया, मतलब लॉकडाउन की वजह से मैं मोटी और भी ज़्यादा हो गई। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब अपना वेट कम करूँगी, मैंने बिल्कुल ठान लिया ये। उसके बाद फिर ऐसे ही एक फ़ोन पे मैं चला रही थी जब मुझे एक हेल्दीफाई मी की एक ऐड आई। मैंने उस हेल्दीफाई मी को इंस्टॉल किया, एक ऐप था जिसे मैंने इंस्टॉल किया और उसके जो प्लान्स थे वो परचेज किए। आई लॉस्ट इन 6 months 10 kg। मुझे पता है थंबनेल पर 12 kg है, लेकिन उन 6 months के अंदर मैंने अपना 10 kg ही वेट लूज किया था। 50 kg मैंने अपना वेट लॉस किया था। और जो मेरा 12 kg जो मैंने लिखा है वो वेट मेरा हेल्दी फाइव मी के प्लान्स को परचेज करने के बाद मैंने खुद से जो चीज़ मैंने उन 6 महीनों में सीखी वो चीज़ें अप्लाई करके अपना वेट लॉस किया था। ये जो 6 महीने थे मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, बहुत ज़्यादा एक ऐसे 6 महीने थे मेरे लिए जो मुझे बहुत कुछ सिखा गई। मैंने ऐसी चीज़ें कभी नहीं सोची थी जो मैंने उन 6 महीनों में सीखी, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कभी साथ क्यों नहीं खाना चाहिए, और क्या और वट ओवर ईटिंग होती क्या है, कि हम हमेशा ओवर ईटिंग करते हैं। मुझे मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी, पानी पीने का सही तरीका और उसी के साथ में पूरे दिन में कैसे खाना खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता था। मैंने इन 6 महीनों में इन सब चीज़ों के बारे में सीखा, जाना और अपनी खुद की लाइफ पे भी एक्सपेरिमेंट करके देखे। और मैंने ये जाना कि हाँ, साइंस के जो फैक्ट्स हैं अबाउट वेट वो सब कुछ सही है। पहले मैं ये सोचती थी कि वेट लूज़ या फिर हेल्दी लिविंग का मतलब सिर्फ यही होता है कि आप अपने पतले से दिखो, एक स्लिम ट्रिम दिखो या फिर एब्स हो आपके, लेकिन मैं ये गलत थी कि हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक हेल्दी वेट है आपका। क्योंकि आयुर्वेदा के अनुसार हमारे 3 body type होते हैं और वो हमारा वेट डिसाइड करते हैं, लेकिन कुछ लोग आयुर्वेदा को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग साइंस को मानते हैं, बट मैं दोनों को मान के चलती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों मैच करते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो मैं बोल रही हूँ या फिर कोई भी फिटनेस रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए, जस्ट कमेंट ब्लो और मैं उसे बनाने की पूरी 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 कोशिश करूँगी। और इसी के साथ जो मेरा ये 6 महीना था, मैं इसमें शेयर करना चाहूँगी कि 6 महीने में मैंने क्या क्या सीखा। ये जो मेरे 6 महीने थे, जब मैंने स्टार्टिंग में अपना स्टार्ट किया तो मुझे बोला गया कि हमेशा अपना जो वेट गोल है ना वो सेट करके रखो कि तुम्हें इतना वेट लूज़ करना है, नहीं तो हम 1 kg वेट लूज़ करेंगे, 2 kg वेट लूज़ करेंगे, फिर हम ये सोचेंगे वाह हमारा 2 kg वेट लूज़ हो जाएगा और हम इतने ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि हम लोग छोड़ भी सकते हैं उस चीज़ को। मुझे ये कहा कि अपना कोई एक वेट सेट करो, मैंने अपना वेट सेट किया, मैंने अपना वेट 52 सेट किया था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने सोचा कि 52 समथिंग प्रैक्टिकल लग रहा था मुझे, तो मैंने 52 वेट सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर मुझे जो सबसे मेन चीज़ उन्होंने बताई, जो उनके वो कोचेस थे विनीत सर ने मुझे जो सबसे मेन चीज़ बताई वो क्या थी कि अपनी फिटनेस रिलेटेड थिंग्स को अपने एक पेपर पे लिखो, एक पेपर पे लिखो कि तुम कितने दिन से कर रही हो, कितना तुम्हारे इंचेस हैं, कितना तुम्हारा वेट है। क्योंकि मेरा जो मेन फोकस था वो सिर्फ इंच लॉस पे था, सिर्फ फैट लॉस पे, ना कि वेट लॉस पे।
एक ये बहुत बड़ी ट्रिक है अपनी वेट लॉस की तरफ मोटिवेटेड रहने की जो मैंने की है। लाइक आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 30 डेज चैलेंज। मैंने स्टार्टिंग में एक महीने का चैलेंज पूरा लेके चला था और मुझे ये लगा कि मैंने एक दो दिन किया और मुझे ये फील हुआ कि बस एक्सरसाइज करते रहो और तुम्हारा वेट लूज हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं एक महीने के अंदर अंदर समथिंग लाइक 52 पे आ ही जाऊंगी, इसलिए मैंने ये सब कर दिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया यू आर स्टैंडिंग, यू आर ओवर आउट स्टैंडिंग एंड यू कैन डू एनीथिंग एंड लाइक दैट दैट, मैंने सब कुछ लिख दिया यहाँ पे। लेकिन एक महीने में जब मैंने एक्सरसाइज की, जब मेरे को ये पता चला कि एक्सरसाइज रियली डजेंट वर्क व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस। मैं ये नहीं कहूँगी कि वेट लॉस कर रहे हो तो मतलब सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज मत करो, नो। बट अगर आप सिंपली एक्सरसाइज कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप अपना वेट लॉस कर लोगे तो डेट्स अ ग्रेट मिथ। फिर मैंने अपना वेट सिर्फ 2 kg लॉस तक पाया था और मैंने ये, मेरे को बहुत रिग्रेट सा फील हुआ कि मैंने ये पूरा एक महीना इतना ज़्यादा दम लगा के एक्सरसाइजेस की, मॉर्निंग में 1 घंटा, इवनिंग में 1 घंटा, इतना ज़्यादा अच्छे से किया सब कुछ, फिर भी मेरा सिर्फ 2 ही किलो लूज़ हुआ। तो इससे मुझे ये पता चला कि साइंस क्या कहती है। साइंस ये कहती है कि वेट लूज़ के टाइम पे जो तुम्हारा वर्कआउट होता है वो 20% पार्ट लेता है उसमें और डाइट 80%। सो मुझे ऐसे ही मैंने एक फ्रेंड से बात की अपने वेट लॉस के बारे में कि मैंने ऐसे से प्लान लिया है, ऐसे से किया है। तो उसने मुझे बताया तेरी कैलोरी डिफिट कितनी है, तू कितनी कैलोरी डिफिट में है। उसने मुझे यही नहीं बताया था कैलोरी डिफिट क्या होता है। फिर मैंने अपने कोच से बात की कि कोच सर ये कैलोरी डिफिट वगैरह क्या होता है। तब मेरे कोच ने मुझे बताया, सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मेरे कोच ने मुझे ये बताया कि सर का मेन फोकस मेरे ऊपर ये नहीं है कि मुझे अपना वेट जल्द से जल्द लूज़ करना है। सर का मेन फोकस ये था मेरे ऊपर कि मुझे अपने कि मैं हेल्दी लिविंग को ऑब्जर्व कर पाऊँ, कि जो लोग अनहेल्दी चीज़ें हैं मैं उन्हें इग्नोर कर पाऊँ मेरे खुद के डिटर्मिनेशन से। ये नहीं कि मुझे सर ने मना किया इसलिए नहीं खा रही मैं, नहीं, मेरे खुद के डिटर्मिनेशन से मैं जान सकूँ कि फिटनेस का रियल मीनिंग क्या है, कैलरी काउंट क्या होता है। हर चीज़ सर ने मुझे धीरे धीरे सिखाई है, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे जो नॉलेज है अबाउट फिटनेस इज़ रियली वाइड। मैंने बहुत कुछ सीखा उस टाइम पे। मैंने अपनी ये जर्नी 15 जून को स्टार्ट की थी और 7 दिसंबर तक मैंने ये जर्नी कंप्लीट कर ली थी और मैंने हेल्दी फाई के प्लान्स भी छोड़ दिए थे। फिर वेट मैनेजमेंट की बारी आती है, फिर वेट लॉस की, दोबारा मैंने 2 किलो वेट लॉस कैसे किया उसकी बारी आती है। मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगी कि आप जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द डेज अगर आप वेट लॉस करने हैं तो आप उसे नोट कीजिए। मैं आपको हेल्दी फाई मी का एक बहुत अच्छा एक ऐप है, मैं उसको आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर लें उसे, क्योंकि ज़रूर इंस्टॉल करें अपने फ़ोन में, क्योंकि वो एक फ्री ऐप भी है। अगर आप उनके प्लान्स नहीं ले रहे तब भी आप अपनी कैलोरीज, आप कितना मतलब कितना खा रहे हैं, कितना पानी पी रहे हैं, वो सब कुछ वहाँ पे लिख सकते हैं। और बिना पैसे के वो आपको ये भी बताएगा कि कौन से फूड आपको पूरे ओवरऑल डे में आपने कौन सा न्यूट्रिएंट लिया है, कौन सा नहीं लिया है, फ्री में। और ये अगर कोई नहीं चाहता है पैसे लेना तो फ्री में कर सकता है। और हेल्दी फाई इज नॉट एक्सपेंसिव, इट्स रियली रियली चीप, बहुत काफ़ी सस्ता है ये। और उसके जो कोचेज हैं, टीचर्स हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ भी, किसी भी चीज़ में, फिटनेस रिलेटेड किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मेरे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक कमेंट कर देना। और आप लोगों के साथ मैं कुछ वीडियोस और शेयर करूंगी, लाइक हाउ टू ओवरकम फ्रॉम ओवर ईटिंग से कैसे बचें कुछ, और अपना पोर्शन कंप्लीट कैसे करें। उसी के साथ मैं आपको ये भी कुछ चीज़ें डिफरेंस के साथ बताऊंगी, लाइक जुम्बा और एरोबिक्स में क्या डिफरेंस है, जुम्बा की सीरीज लेके आऊंगी मैं आपके लिए। और मैं कोई सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो सीखा है मैं आपको वो बताऊंगी और सिर्फ साइंटिफिक प्रूवन चीज़ें ही बताऊंगी। मैं कोई जैसे अदर यूट्यूबर्स करते हैं, लाइक एक चूरन दे दिया, वेट लॉस चूरन दे दिया, चमत्कारी चूरन दे दिया, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें ही लेके आऊँगी आपके लिए। सो एक लास्ट रिव्यू तो बनता है। व्हेन आई वाज अबाउट टू बी 60 kg, व्हेन आई वाज 52 kg, एंड व्हेन आई वाज 48 kg। अभी भी मैं आपके सामने 48 kg में ही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जितने लोग मेरे से जुड़े
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर ही देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और कुछ भी चीज़ें चाहिए, कुछ भी चीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए, जस्ट कमेंट बिलो।